हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल विश्वकर्मा आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो डेटा रिकवर करने में मास्टर है। अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो चुकी है या कोई फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, फोटो, वीडियोस, कुछ भी डिलीट हुआ है तो सब का सब आप एक क्लिक में रिस्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरिंग में। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है और उसमें डिलीट हुई फाइल, फोल्डर, वीडियोस, फोटो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो भी आपने डिलीट किया है वो सब का सब रिस्टोर करने में आपकी हेल्प करेगा और एक क्लिक के अंदर आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं अपने वापस कंप्यूटर के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यह सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। चाहे तो इसे अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसको कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल में खोल के आपको लिखना है रेकुआ, RECUVA। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रेकुआ। दोस्तों, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर ऑल फाइल लिखा है, नीचे पिक्चर लिखा है, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑल फाइल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे से आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही चुन सकते हैं। उसके बाद वापस से नेक्स्ट कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपकी जो भी फाइल है वो स्कैन करने लगेगा आपके पीसी के अंदर। आपने जो भी कुछ भी डिलीट किया है, फोल्डर हो गया या मूवी हो गई, फाइल हो गया, कुछ भी आपने फोटोज़ वगैरह जो भी डिलीट किया, सबका सब आपको स्कैन करेगा। स्कैन करने में 10 से 15 सेकंड लेगा और आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो आप जिसको भी रिस्टोर करना चाहते हो, यानी जो भी आप वापस लाना चाहते हो, उस पर आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने टिक किया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में रिकवर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ रिकवर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आप जिस लोकेशन पे उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ओके किया मैंने, ये ओके करने के बाद वो डेस्कटॉप पे रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, बस इतनी छोटी सी प्रोसेस के अंदर आपने जो भी डेटा डिलीट किया हुआ था उस सब का सब आप रिकवर कर सकते हो वापस अपने पीसी के अंदर। और इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर केवल पीसी के अंदर ही वर्क करता है, ये मोबाइल के अंदर वर्क नहीं करता है, ये केवल पीसी के लिए ही है। दोस्तों, अगर आपके पीसी से कोई फाइल वगैरह डिलीट हो गई है तो उसे आप बड़ी आसानी से यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये भी कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे भी आप दबाकर मेरी इस वीडियो को सफल बना सकते हैं। और राइट साइड में आप एक बेल आइकन को देख रहे होंगे, उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, वहाँ पर आपको एयरटेल, आइडिया, जियो, इन सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।